वी आर लुकिंग इंटू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग और उसका नाम हमने रखा है वेब माइनिंग अब इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि वेब माइनिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं और फिर उसमें कौन से क्रंक्स हैं या मेजर पॉइंट्स कौन से जो हमें पता होना चाहिए वन एवर वी वॉन्ट टू डिवेल्प एन एप्लीकेशन ऑफ वेब माइनिंग अच्छा अब डाटा माइनिंग क्या है डाटा माइनिंग क्या करती है कि डाटा माइनिंग किसी भी डाटा को नॉलेज में कन्वर्ट कर देती है इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ वी विल डिफ़ाइन वेब माइनिंग तो बड़ी ईजी सी डेफिनेशन होगी कि वेब माइनिंग क्या करेगी कि वेब को नॉलेज में कन्वर्ट कर देगी अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस है जो डाटा है या वेब है दोनों सूरतों में हमें कोई डिफाइंड फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि वेब इट सेल्फ डाटा है और डाटा क्या है जो मल्टी मीडिया फॉर्म में है जिसके अंदर विलॉसटी है वेरियंस है स्पीड है एक्सपोनस है पता नहीं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं डाटा के अंदर चाहे वो डाटा हो चाहे वो वेब डाटा हो अब हमारे पास करना हमने क्या है कि वेब माइनिंग में क्या करना है वेब के डाटा को नॉलेज में कन्वर्ट करना है और उसका फ़ायदा हमें क्या होगा अगर हम उसको वेब को नॉलेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हमने क्या करना है डाटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है वेब के डाटा पे टू फाइंड आउट हिडन पैटर्नस अननोन नॉलेज फ्रॉम द डाटा और उसे यूजफुल ह्यूमन नॉलेज में कन्वर्ट करना है अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब भी आपने किसी डाटा पे काम करना है किसी डोमेन पे काम करना है तो सबसे पहले आपको उस डोमेन का पता होना चाहिए जैसे डब्ल्यू है क्या पहली चीज क्या है इससे बनता यह है वर्ल्ड वाइड वेब जिसका हरफ आम में जो नाम है उसे हम इंटरनेट भी कहते हैं इंटरनेट से मुराद हमारे पास जो हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर कोई चीज ढूंढते हैं तो हमारे जो सर्च इंजन की फाइल्स हैं जैसे गूगल है बिंग है याहू है हॉटमेल है ये सब जो है वर्ल्ड वाइड वेब पे आती हैं अब इसको थोड़ा हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो है या जो वेब है वो है क्या अ ह्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली हेट्रोजीनियस सेमी स्ट्रक्चर्ड हाइपर टेक्सट हाइपर मीडिया इंटरक्रेक्टेड इंफॉर्मेशन इज थोड़ा सा इनको डिस्कशन करते हैं कि अब ये हैं क्या ह्यूज डू यू एग्री कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफकोर्स मेरे ख्याल में इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सब जानते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा इंफॉमेशन मौजूद है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अब जो वेब इफॉर्मेशन है क्या वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की है आंसर इज नो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि इसमें जो इफॉर्मेशन है वो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल है यानी कि पाकिस्तान में बैठ के हम यू की इनफॉर्मेशन ले सकते हैं यू में बैठ के पाकिस्तान की इफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड सोन हाईलीट्रोजीनियस हेट्रोजीस का मतलब क्या होता है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो एक जैसी इन्फॉर्मेशन ना हो यानी कि हम इसके ऊपर वेब के ऊपर बैठ के कहीं पर हम स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं कहीं पर हम एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कहीं पर हम एंटरटेनमेंट की इन्फॉमेसन लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस इंफॉमेसन है सेमी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन वो होती है जो डिफाइंड हो जिसका हमें पता हो कि जैसे लेट से अगर मैं कहता हूँ थर्टी आप कैस कर सकते हैं इसका क्या मतलब है इसका कोई भी मतलब हो सकता है ये स्ट्रक्चर्ड कब होगी जब हम ये बताएं कि एज इज़ इक्वल टू थर्टी तो जो इंटरनेट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होती वो सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया हाइपर टेक्सट हाइपर मीडिया का मुराद के? कि जो इन्फॉर्मेशन है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मेशन लिंक्ड होती है एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं तो इसको इंटरकनेक्टेड इन्फॉमेशन कहते हैं तो अब ये वेब की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छा अब होता क्या है कि वेब के ऊपर ये तो है ही है प्लस इसके क्या है इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि वेब इज़ अज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लस हाइपर लिंक प्लस एक्सेट एंड यूजेज इन्फॉर्मेशन यानी कि कैसे आपने डाटा को एक्सेस करना है उसे कैसे यूज़ करना है एक दूसरे से कनेक्टिविटी डाटा लिंक कैसे है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास नेटवर्क के ऊपर मौजूद है अब क्वेश्चन ये आता है कि जी हम किसको पकड़े पकड़ें इनमें से किस चीज़ को वेब माइनिंग के अंदर हम ढूंढें या यूज़ करें वो क्या है काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो वेब माइनिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने जो यहाँ पे किया वो है माइनिंग वट वेब सर्च इंजन फाइंडस कि हम जैसे गूगल काम करता है हम अपना एक सर्च इंजन बना लें जो इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के हमारे लिए ले आए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथोरिटिव वेब पेजेस जैसे विकीपीडिया वरह के हमारे पेजेस हैं या अगर हम अपने वेब पेज बनाना चाहते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर दें वेब कम्यूनिटीज़ के जैसे फेसबुक वैर हैं सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करें वेब डॉक्यूमेंट क्लासीफिकेशन के जो वेब के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उन्हें एक स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर ले आए वेयर हाउस अ मेटा वेब जैसे वेब येलो पेज सर्विसज़ है जिसके अंदर हमारे पास लोगों के रिकॉर्ड मौजूद हैं वेब लॉग माइनिंग अगेन जैसे हमारे पास लिंक का डाटा है लॉगिंग के लोग करते हैं अपना लेट्स से के डिफरेंट लॉग्स लिखते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं लोग उनको आइडेंटिफाई किया जाए इंटेलिजेंट क्यूरियांसिंग इन वेब तो ये मुख्त्य थीम्स मौजूद हैं जो वेब माइनिंग की आप अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनको करने के लिए अब हमने क्या तरीका अपनाया या जो मैं आगे वाले मॉड्यूल्स में जो तरीका अपनाऊंगा उनको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया पहला हिस्सा है वेब कंटेंट माइनिंग इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास वेब का कॉन्टेंट है उसको माइन करने के लिए हम कोई मेकानिज़म बनाए दूसरा है वेब स्ट्रक्चर माइनिंग वेब स्ट्रक्चर माइनिंग से मुराद क्या है कि जो हमारे पास वेब का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास वेब के अंदर मौजूद क्या है और प्लस वो लिंक्ड कैसे है इस इंफॉर्मेशन को निकालना और फिर वेब यूजेज माइनिंग कि कौन से एक्सेस पैटर्न हैं जो यूजली यूज़ करते हैं लोग टू एक्सेस आवर इंटरनेट और वेब और इस तरह कस्टमाइज यूजेज ट्रैकिंग कि हम ये कस्टमाइज़ कर दें कि कैसे जो है वेब की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस किया जा रहा है उसको हम कस्टमाइज कर दें उसके ऊपर हम काम करें